छोटे पठान हमारे साथ जानते कैसे पठान इज बैक भारत माता की बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत थैंक यू बॉयकॉट गैंग का जिन्होंने फ्री में इतना प्रमोशन कर दिया और बॉयकॉट गॉन्ग गैंग थैंक यू जितना इतना प्रमोशन करने के लिए शाहरुख का मौसम बिगड़ गया लखनऊ का है ना फुली एकदम भाई जब इनको नहीं आपको भाई कोई आपत्ति हो अरे क्या कुछ है नहीं आपत्ति लायक मूवी एकदम औसम है सुपर डुपर हिट है किसी की भावना आहत नहीं हुई है पिक्चर में कुछ गलत नहीं है अगर एक इंसान देशभक्ति में कोई चीज कर रहा है तो वो सब देश के लिए कर रहा है ये नहीं कि उसने अपने लिए कुछ करा हो पूरे देश के लिए उसने करा है और जो ये मूवी देखेगा उसको खुद पता चल जाएगा कि पठान का असली मीनिंग है क्या नाम भी ना जाइए उसके काम पे जाइए उसने करा क्या है एक नंबर मूवी है ये पठान बहुत ही शाहरुख खान की एक्टिंग बहुत अच्छी है और बढ़िया काम दिखाया है जो विवाद हो रहा था ये कुछ नहीं है और सबने बहुत बेहतरीन एक्टिंग करी पिक्चर में ऑडियंस को बांध दिया है जैसा शाहरुख खान है वैसे तो अभी चलते हैं उनसे जानते हैं जिन्होंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है पठान का सर कैसी लगी मूवी ठीक है मैम बहुत बहुत अच्छी शाहरुख खान के फैंस या कंट्रोवर्सी की वजह से मैम वैसे शाहरुख खान फैन एकदम डाई हार्ट फैन है यस यस अच्छा तो जिस गाने को लेके विवाद हो रहा था बेशर्म रंग क्या उस पे कैची चली है या नहीं नहीं उस पे नहीं चली बोलो सर कैसी लगी पिक्चर बेस्ट मजा आ गया जी अच्छा जिस गाने को लेके विवाद था क्या उसके सीन पे कैची चली है या नहीं 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 कैची नहीं चली बिल्कुल नहीं तो कंट्रोवर्सी हो रही थी तो क्या ऐसे सब ऐसे ही फालतू अफवाह थी सब फिल्म बहुत बेस्ट है अच्छा तो 100% हम रिस्पॉन्ड दे सकते हैं क्या बात है 100 पे 100 नंबर मैम से जानने की कोशिश करते हैं कैसी लगी मूवी बहुत अच्छी जी सबसे अच्छा क्या लगा आपको उसमें अच्छा शाहरुख खान के फैंस हैं क्या बात है मतलब शाहरुख का स्टाइल और मैम की स्माइल जी कैसी लगी मूवी बहुत अच्छी आई लव माय शाहरुख खान तो 5 में से कितने स्टार पूरे 5 पूरे अच्छा शाहरुख खान की बात कर ली दीपिका पादुकोण के बारे में क्या कह रहा उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल किया अच्छा जी बहुत अच्छा किया भैया कैसी लगी मूवी बहुत अच्छा है बहुत हाँ सुपर हिट है जी अच्छा तो जो विवाद चल रहा है उसको लेके क्या कहेंगे आप क्या ऐसे ही था या वाकई में कुछ ऐसे सीन थे उसमें नहीं बहुत अच्छा है कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी नहीं किसी सीन पे कैची चली है क्या नहीं नहीं जो भगवा रंग को लेकर के विवाद हो रहा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं तो 5 में से कितने स्टार 5 स्टार कैसी लगी मूवी हमेशा ऐसा जैसा शाहरुख खान है वैसे जैसा शाहरुख खान वैसी मूवी शाहरुख खान का सच में कमबैक है तो भैया कैसी लगी मूवी एकदम औसम पिक्चर है मैम पिक्चर है बहुत ही शाहरुख खान की एक्टिंग बहुत अच्छी है और बढ़िया काम दिखाया है उसमें जो विवाद हो रहा था ये कुछ नहीं है और सबने बहुत बेहतरीन एक्टिंग करी पिक्चर में ऑडियंस को बांध दिया है जी तो चलिए हम भी भाई और लोग उसे जानते कैसी लगी पिक्चर मैंने नहीं देखी अभी मूवी अभी जा रहा हूँ नहीं देख के अच्छा आप बताओ आपने देखी ना क्या कहना है पिक्चर की पिक्चर बहुत बेहतरीन है और शाहरुख खान का स्टारडम तो बिल्कुल औसम है बिल्कुल एक भी सीन नहीं कट हुआ उसमें से और सलमान खान की एंट्री तो भाई ने तो 100-200 करोड़ एक्स्ट्रा उसमें लगवा दिया सलमान भाई की एंट्री से पेज होगी चार बार और देखूंगा तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले लोगों से हम बात कर रहे हैं सर आपने मूवी देखी ना कैसी लगी मूवी बहुत अच्छी है बहुत एंटरटेनिंग है फन है शाहरुख खान बढ़िया है बहुत मजा तो शाहरुख खान के फैन है आप या कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं मूवी में कुछ नहीं है बहुत एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बहुत मजेदार है आपके पैसे वसूल हो जाएंगे बस और जिस चीज को लेकर विवाद इतना छिड़ा था भगवा रंग को लेकर के तो कैची चली उस सीन पे आप देख ही नहीं रिएक्शंस कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों लोग सर कैसी लगी मूवी कैसी थी बहुत बहुत प्यारी बहुत क्या बात है माशाल्लाह आपका लुक भी एकदम शाहरुख जैसा है तभी तो देखने आए थे बहुत बढ़िया फिल्म है एक नंबर लाजवाब बहुत बढ़िया जी सही है ब्लॉकबस्टर मूवी है ब्लॉकबस्टर बहुत जबरदस्त मजा आ गया मौसम बिगड़ गया लखनऊ का क्या बात है कोई ब्लॉकबस्टर कह रहा है तो कोई कह रहा है पठान
बढ़िया थी, बस टाइगर का इंतजार है। मूवी तो हमें बहुत अच्छी लगी, और बीच बीच में हम लोग का जो ट्विस्ट आया मूवी में, जो सस्पेंस है मूवी का, बीच बीच में हमें ट्विस्ट मिलता गया और भी मजा आता गया। अभी सलमान खान की एंट्री हो गई अचानक से, और हमें लगा था क्लाइमेक्स में एंट्री होगी, बट अचानक से इंटरवल के बाद ही अचानक से सलमान खान आ गए। मूवी इज बेस्ट, मूवी एकदम औसम है, सुपर डुपर हिट है। और जो ये कह रहा था कि पिक्चर फ्लॉप होगी वो बेकार इंसान है। जो विरोध कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं उन्हें क्या कह रहे हैं? देखिए, कहना चाहता हूँ मैं, किसी की एक मिनट, किसी की भावना आहत नहीं हुई है पिक्चर में, कुछ गलत नहीं है। अगर एक इंसान देशभक्ति में कोई चीज कर रहे है तो वो सब देश के लिए कर रहा है, ये नहीं कि उसने अपने लिए कुछ करा हो, पूरे देश के लिए उसने करा है। और जो ये मूवी देखेगा उसको खुद पता चल जाएगा कि पठान का असली मीनिंग है क्या। नाम भी ना जाइए, उसके काम पे जाइए कि उसने करा क्या है। और बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत थैंक यू बॉयकॉट गैंग का, जिन्होंने फ्री में इतना प्रमोशन कर दिया। और बॉयकॉट गैंग थैंक यू जितना इतना प्रमोशन करने के लिए शाहरुख का। एक बात और ये कहना चाहेंगे बॉयकॉट गैंग वालों से कि वो भी एक बार आके ये मूवी देखे, उनको भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, 10 में से कितने नंबर? 10 में से कितने? और एक छोटे पठान हमारे साथ, जानते हैं बाइकेट वाले, एक बार मूवी आके देख लो भाई, बहुत जबरदस्त मूवी है यार, बहुत जबरदस्त। शान हिंदुस्तान शाहरुख खान, एक नंबर मूवी है ये। पठान कंट्रोवर्सी चल रही है, उसको लेके क्या कहूँ? फिल्म बायकॉट बता रही है, और फिल्म बायकॉट बता रहे हैं, लोग बायकॉट बता रहे हैं, लेकिन तहलका मचा करके जाएगी। शाहरुख खान की मूवी है, किंग खान है वो। कितनी कमाई? रुको, किंग खान 500 करोड़ तो यूं ही क्रॉस। जो ये कह रहे थे फ्लॉप हो जाए, मेहमान नवाजी के लिए पठान आ चुका है। अच्छा, तो एक चीज और है, कहते कंट्रोवर्सी तो लाल सिंह चड्ढा पे भी हुई थी, वो क्यों नहीं चली? अरे उसमें स्टोरी नहीं थी ना, वो नहीं चली। इसमें स्टोरी में दम है, इसमें मिनट मिनट की बात छोड़े, सेकंड सेकंड पे मजा आया है। मेहमान नवाजी के लिए बुलाया गया था शाहरुख खान को। और हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोग हिंदुस्तान में रहते, तो हम लोग के अंदर हिंदुस्तान का एक वजूद है पूरा, तो हम लोग को ये मूवी जरूर जरूर अच्छी लगी। मेहमान नवाजी के लिए शाहरुख खान को बुलाया गया था, पूरी मेहमान नवाजी करी गई है भाई की। सलमान खान ने बहुत अच्छा काम करा है, छोटा सा ज्यादा उनका बड़ा रोल। अच्छा, तो कौन किस पे भाई? सलमान का कैमियो था, लेकिन सलमान था या शाहरुख, किस पे नजर है? नहीं है तो शाहरुख, असल में ये YRF का स्पाई यूनिवर्स है, तो अब इसमें धीरे धीरे जो भी किरदार है वो थोड़े ऐड करेंगे। 4 साल का वेट वसूल था, 4 साल वसूल, एकदम वसूल, पैसा वसूल, 4 साल टाइम भी साल का वनवास का टाइम खत्म हुआ है, अब देखिए कब तक हो, क्योंकि अभी साल भर में उनकी 2 मूवी और आने वाली है। क्या लगता है आगे भी ऐसे ही धमाल करेगी? शाहरुख खान इज द लास्ट ऑफ द स्टार्स, बस ना उसके बाद है ना कोई आएगा उसके बाद। अच्छा, जो विवाद हो रहा था जिन सीन को लेकर, क्या वो हटाएगा? वो पागल है, अगर आज की जनरेशन में ऐसी बात करेंगे, इसे भाई याद है, टाइम वेस्ट। और कोई सीन नहीं काटेगा, देखिए सीन नहीं है, फुली डेडिकेटेड देशभक्ति मूवी बना, कोई इसमें गलत चीजें, परिवार साथ देखिए, परिवार साथ मजे लीजिए, अच्छे सीन से, कोई है ना फुली एकदम। जब इनको नहीं, आपको भाई कोई आपत्ति हो? अरे क्या आपत्ति, कुछ है ही नहीं आपत्ति, लाइक मतलब भाई भाभी को भी लेके आ सकते हैं, भाभी भाभी मौसी मामा। तो भाई अच्छा, एक सवाल और, दीपिका पादुकोण का आपको कैसा लगा? उनका सपोर्टिंग रोल इतना जबरदस्त किया उन्होंने, आउटस्टैंडिंग है। उसके रोल में थोड़ा सस्पेंस भी आया कि कभी वो शाहरुख खान की तरफ, कभी जॉन इब्राहिम की तरफ, लेकिन मजेदार रोल था, एकदम जबरदस्त मूवी में था ना, वो बहुत क्रिएटिव था, बहुत जबरदस्त रोल था उसका। मतलब आप मूवी देखते टाइम जो है, खाली बच्चों के लिए क्या, आदमी के लिए क्या, उसमें आप मूवी में कहीं पे आपको जरा सा बोरिंग नहीं लगेगा कहीं पे, कि यार ये बेकार सी ना फालतू। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जो है ये विवाद है, ये इस पे ऐसा कुछ नहीं है, आप देखिए मूवी, कोई नहीं, इनसे पूछ ली अगर हम कुछ कहेंगे तो ये बताएंगे। मतलब उसमें ऐसा कुछ है नहीं कंट्रोवर्सी अलग, वो खाली प्रोपेगेंडा है। अरे भैया बस जाने की तैयारी में, सर आपको मूवी कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने देखी मूवी? आपने मूवी देखी? अच्छा, तो आप देख के बताइए कैसी लगी आपको मूवी? बिल्कुल, तो 5 में से कितने स्टार दोगे? 5 में से 5 स्टार। 5 स्टार देंगे,
जो विवाद चल रहा था उसको लेके क्या कहना है, क्या कुछ सीन पे कैची चली है या नहीं? नहीं चली है कुछ सीनों में, कुछ सीनों में मतलब गाने पे सॉन्ग पे चली है, थोड़ी बहुत कैची चली है। अच्छा, तो कंट्रोवर्सी जो थी क्या लगा, वो सही थी या फिर ऐसी? फालतू की थी, फालतू की थी, फालतू की थी, फालतू की थी। क्या बात है, मतलब एकदम फाड़ू परफॉर्मेंस और एकदम जबरदस्त। अच्छा, सलमान का भी कैमियो रोल था? जी जी, सलमान का भी। कैसा था वो? तो बहुत बढ़िया था। अच्छा, एक बेस्ट सीन की बात कहे आपसे पूछे तो वो बेस्ट सीन आपको क्या लगा? लास्ट लास्ट वाला सीन था, क्लाइमेक्स सीन था, वो बहुत अच्छा लगा। कैसी थी मूवी? ऑसम, ब्लॉकबस्टर है, ब्लॉकबस्टर। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो, क्या रहा रिस्पांस? हमने आपको बहुत कुछ दिखाया और क्या बात है भाई, ये सब शाहरुख के फैंस। कैसी थी मूवी? शाहरुख किंग इज बैक आफ्टर 4.5 इयर्स। ओके, सो किंग इज बैक, कितनी कमाई करेगी पिक्चर ये? 600 करोड़ सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, दंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी ये। तो मजा तो आएगा ना, 600 करोड़ तो आराम से। ओके, दंगल केजी अब सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। और ये बताओ कि कोई नहीं बचेंगे, कोई रिकॉर्ड नहीं, सब एकदम। जो कंट्रोवर्सी बची थी कि लोग कह रहे थे कि भाई कुछ सीन सही नहीं है, तो उस पे क्या कहना चाहोगे जो लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं उसके ऊपर? कंट्रोवर्सी सब दैट इज अ पॉलिटिकल एजेंडा और कुछ नहीं है। हम लोग फैंस लोग हैं और जितने भी न्यूट्रल और पॉजिटिव लोग हैं दुनिया में, सब लोग मूवी को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ नहीं है। वी आर शाहरुख फैंस एंड वी विल डूइंग इट। ओके, सो और जितने भी पॉजिटिव लोग जिंदा हैं दुनिया में, वो सारे लोग पूरी दुनिया भर में 100+ कंट्रीज में पहली बार कोई मूवी रिलीज हुई है, फर्स्ट टाइम 100+ कंट्रीज में, और 7,700 शोज भी ले हैं पठान को ये 5,000 इंडिया में, 2,500 ऑफिशियल डेटा है, और KGF 2 का एडवांस सेलिंग इसने कल रात में ही ब्रेक कर दिया था। सो इट विल बी ह्यूमंगस हिट, ब्लॉकबस्टर एंड ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। SRK आर किंग इज बैक एंड एवरीथिंग इज सो गुड। BGM इज परफेक्ट, BGM इज परफेक्ट एंड द अदर एक्टर्स जॉन अब्राहम एंड दीपिका पादुकोण हैज सपोर्टेड वेरी वेल एंड जॉन अब्राहम सलमान ये दैट इज। भाई की एंट्री कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी भाईजान, हमेशा से बढ़िया। रॉकिंग एंट्री, रॉकिंग एंट्री। हम लोग स्पॉइलर्स नहीं देना चाहते हैं, हम लोग कोई भी स्पॉइलर नहीं देंगे। आप लोग मूवी देखिए, मूवी एंजॉय करिए, हम लोग नहीं देंगे स्पॉइलर्स कुछ भी, बस मूवी एंजॉय करिए, एक्सपीरियंस करिए। और किंग इज बैक, और अभी तो पूरा साल है, तीन मूवीज हैं। तो ऋषभ और अशरफ है हमारे साथ जो कि पठान मूवी देखने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, पिक्चर कैसी होने वाली है? बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही अमेजिंग, बहुत देर से वेट कर रहे हैं इस मूवी का, और ट्रेलर ने तो हम लोगों का माइंड ब्लोन कर दिया है बहुत की, और गाने तो बहुत ही अच्छे हैं, और VFX और शाहरुख खान की एक्टिंग, ओह माय गॉड। एंड उन्होंने जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वो मतलब ऋतिक रोशन को भी फेल करते हैं इस समय। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो, क्या शाहरुख खान के फैंस हैं कंट्रोवर्सी की वजह से? नहीं नहीं, हम लोग बिल्कुल शाहरुख खान के फैंस हैं, और जो है हम लोग पॉजिटिव लोग हैं बिल्कुल, हम लोग ये मूवी देखेंगे चाहे इसमें कंट्रोवर्सी हुई होती चाहे ना हुई होती, चाहे जो भी कुछ भी होता, हम लोग ये मूवी किसी भी हालत में देखने आते, कुछ भी होता है यहाँ पे। तो भाई लोगों का जोश देख के तो आप समझ गए होंगे कि मूवी कैसी थी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और वो वक्त दूर नहीं है जब मूवी 500 करोड़ का भाई आंकड़ा पार करेगी। तो बस हमने आपको वो सब बता दिया कि भाई जनता की क्या राय है, देखिए क्योंकि सबका कहना यही है, लोगों में कितना जोश है, कितना हुजूम उड़ा है मूवी देखने के लिए, आप तक हमने पहुँचाया। अब आपने मूवी देखी है, आपको क्या कहना है, चलो जल्दी से हमें कॉमेंट में बचाओ, और बस आगे भी इस मूवी को लेकर क्या है राय लोगों की हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, क्योंकि आज तो पहला दिन था, अभी आगे मूवी कितनी कमाई करती है और क्या है लोगों की राय, सब जानने के लिए बने रहो आप सनातन टाइम्स के साथ, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।